Welcome to GATE Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to discuss about the high cage rotors of induction machine. Before this, we have discussed a lot about wound rotor induction motor. But whenever we talk about the wound rotor induction motor, in this particular motor, the rotor of this motor is accessible to the user by means of which we can externally add the resistance into the rotor circuit of this particular motor. But the same case is not applicable in case of the squirrel cage induction motor. As the rotor is not accessible in case of the squirrel cage motor, so we cannot externally add the resistance into the rotor circuit of the squirrel cage induction motor, due to which we cannot improve the starting performance of this motor. So in order to improve the starting performance to this particular motor, we are going to study the rotors of the squirrel cage induction motor, because in case of the squirrel cage induction motor, the rotors are designed in such a way that they are like a cage, means and they are in the form of cage, and the conductors of the rotor are short circuited by means of ends ring. So cylinder kind of structure will be there, due to which we cannot externally add a resistance into that particular circuit. But in case of wound rotor, with the help of slip rings, we can also add external resistance into that one. And we have also gone through that particular lecture, that rotor resistance control or speed control by rotor resistance, all these things we have discussed in the previous lecture. तो देखिए, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, उसका जो रोटर होगा उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होने वाला है, कि उसका स्ट्रक्चर की वजह से अपन उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में चेंज करके उसके स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, इसका स्टडी आज अपन करने वाले। तो हेडिंग डालेंगे आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, रोटर्स ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ऐसा लिख सकते हो चाहे तो, रोटर्स ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रोटर होने वाले हैं। जैसे कि देखिए, नॉर्मल अपने पास जो रोटर होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो उसके बारे में मैं फिलहाल डिस्कस कर लेता हूं, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर दोज डिफरेंट रोटर्स बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन इंप्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मोटर। देखिए, जब भी अपन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो स्क्विरल केज का परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज पुअर, ठीक है। सिमिलरली स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज लो, अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये प्रॉब्लम्स को अपन को क्या करना है, नलीफाई करना है, इनको अपन को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि ये उसमें सारे प्रॉब्लम्स है, वो स्टार्टिंग क्योंकि जब अपन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, इसकी वजह से उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाँ, टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऐड करने की वजह से उसका स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब बातें अपन क्या करते हैं, उसमें देखते हैं। और अपन ने देखा भी था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है, वी नो दैट स्टार्टिंग टॉर्क TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रोटर रेजिस्टेंस R2, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रोटर रेजिस्टेंस R2। अगर सपोज बेटा मैंने अगर इस रोटर रेजिस्टेंस R2 को ही अगर बढ़ा दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मैंने R2 को ही बढ़ा दिया, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैंने R2 बढ़ा दिया, तो अपन को पता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसका जो एक्सप्रेशन आता है, स्टार्टिंग करंट जो होगा, स्टार्टिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या आता है आपके पास, E2/√R2+R external, ठीक है, ये आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, प्लस वॉट X2, इस टाइप से होता है। तो अगर आपके पास ये सब इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है, तो मुझे एक बात बोलो, आर एक्सटर्नल के बढ़ने की वजह से मींस व्हाट, योर न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, सो ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगी मतलब क्या है, जो लॉसेस वाला पॉइंट होता है, और जो अपन कहते हैं कि मतलब जो वेरी हाई इनरश करंट आती है स्टार्टिंग में, वो करंट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपन को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें होता है, और उसका रीजन बस एक है कि उसका जो रोटर होता है, दैट रोटर इज नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर, एज इट इज नॉट एक्सेसिबल, ड्यू टू विच वी कैनॉट एक्सटर्नली एड रेजिस्टेंस इन टू द रोटर सर्किट ड्यूरिंग स्टार्टिंग,
बात समझ में आ रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपन को किसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब वाउंड रोटर या स्लिपिंग इंडक्शन मोटर की जब तुम बात करते हो तो उसमें क्या होता है भाई, स्लिपिंग में क्या करते हैं आप, मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड समझाया था कि वाउंड जो रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल होता है उसमें तुमने देखा होगा कि एक्सटर्नल अपन रेजिस्टेंस किस टाइप से ऐड करते हैं, मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड होता है उसमें अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके रखते हैं। जैसे भी आपकी मोटर उसका जो रेटेड स्पीड होता है उस रेटेड स्पीड का अगर सपोज 80% स्पीड तक अगर पहुंच जाए तो उस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने स्टार्टिंग में उसमें ऐड किया होता है वो क्या करता है धीरे धीरे वो कट होते जाता है। और जैसे भी आपकी मोटर उसका फुल लोड स्पीड तक अगर पहुंच गई तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट में से हट जाएगा और आपकी जो मोटर होगी नॉर्मल मोटर की तरह क्या करेगी, रन करेगी। ये सारी बातें अपन उसमें पढ़ते हैं। अपन को क्या करना है, सेम चीज अपन को इन केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में देखना है। अपन को उसका जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है इस टाइप से डिजाइन करना है रोटर को कि उसका जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस रहे वो ज्यादा रहना चाहिए। और जो अपन नॉर्मल केस में अपन देखेंगे, जो नॉर्मल मतलब रनिंग कंडीशन देखेंगे, तो रनिंग कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए। ये सब बातें अपन इसके आज के लेक्चर में देखने वाले। तो रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो सबसे पहला रोटर अपन पढ़ेंगे दैट विल बी डीप बार रोटर। क्या होगा, डीप बार रोटर। So first rotor is going to be deep bar rotor. क्या होगा, deep bar rotor होगा। और दूसरा कौन सा होगा, second one will be double cage rotor. क्या होगा, double cage rotor होने वाला। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं जब बात करूंगा डीप बार रोटर के बारे में तो देखिए डीप बार, अब नॉर्मल अपन को पता है कि जो रोटर के स्लॉट्स होने वाले आपके पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के, उसके स्लॉट्स का डिजाइन अपन को इस टाइप से करना है कि उसका जो स्लॉट होगा वो इनिशियली अपन को क्या करे, थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस फील करने के लिए बताए, और जो नॉर्मल केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी अपन को एक्सटर्नल, तभी अपन को स्टार्टिंग केस में थोड़ा ज्यादा रोटर रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। तो उसके बारे में अपन को आज पढ़ना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जब मैं बात करूंगा डीप बार रोटर के बारे में, तो डीप बार रोटर देखिए नाम से पता चल जा रहा है कि डीप बार रोटर, इसमें देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, जो डीप मतलब जो स्लॉट होने वाले आपके पास रोटर स्लॉट वो कैसा होगा, डीप स्लॉट होगा, मतलब क्या उसका डेप्थ थोड़ा ज्यादा होगा, उसका विड्थ थोड़ा कम होगा। नाम से पता चल जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द डीप बार रोटर, मतलब क्या रोटर का जो स्लॉट होगा दैट इज गोइंग टू बी डीप, ठीक है। देखिए आपके पास सपोज ये स्टेटर का पार्ट है, ये भी स्टेटर का पार्ट है, ठीक है। और सपोज अगर मैं बात करूं, ये सपोज अगर मेरे पास रोटर का पार्ट है, ठीक है, मतलब ये क्या है, रोटर का एक स्लॉट है, बस मैं एक स्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज द रोटर स्लॉट इन विच अ कंडक्टर इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। इसी रोटर स्लॉट में क्या करने वाले अपन, कंडक्टर को प्लेस करने वाले हैं इस टाइप से, क्या करने वाले हैं, कंडक्टर को अपन प्लेस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। अब आपके पास सपोज अगर स्टेटर है, क्या है आपके पास, सपोज अगर स्टेटर है तो बेटा जब आप स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दोगे तो स्टेटर का जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। बात समझ में आ रही है, वो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। जब इस स्टेटर का फ्लक्स जब इस रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगा तो आपको एक बात पता चलेगी, क्या स्टेटर का पार्ट है ये रोटर है, तो इन दोनों के बीच में जो नजर आ रहा है ये क्या आपके पास, ये जो दोनों के बीच में जो नजर आ रहा है दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट दी एयर गैप, ये क्या आपके पास एयर गैप की तरह नजर आ रहा है आपके पास। सो दिस इज दी एयर गैप, ये क्या है, एयर गैप है। अगर आप देखें तो देखिए इसका जो फ्लक्स आएगा आपके पास स्टेटर का जब वो रोटर के साथ लिंक करेगा, तो सपोज अगर मैं उसको ग्रीन पेन से मैं दिखाता हूँ, जो फ्लक्स लिंक करेगा, देखिए ये फ्लक्स इस टाइप से लिंक करेगा, सिमिलरली ये इस टाइप से लिंक करेगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्लक्स लिंक होने वाला है, क्या होने वाला, फ्लक्स लिंकेज होने वाला है। अब आप देख सकते हो क्या कि जब मैं इसके बात करूंगा तो देखिए इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है, एयर गैप का जो लेंथ है, एयर गैप का लेंथ क्या है, जब मैं उसके स्टार्टिंग का मतलब जो पोर्शन बता रहा हूँ कंडक्टर का, इसका जो ओए वाला एयर गैप का लेंथ थोड़ा कम है, एयर गैप का लेंथ कैसा कम है, जैसे भी मैं थोड़ा कंडक्टर का मतलब इसी स्लॉट के अगर थोड़ा मैं इस वाले पार्ट तक पहुंच गया तो देखिए एयर गैप मेरे पास बढ़ जाएगा, अभी टोटल एयर गैप इतना हो गया। बस समझ में आ रही, जैसे भी और मैं थोड़ा अगर नीचे आया तो एयर गैप और इतना बढ़ गया, और नीचे आया तो मतलब जैसे जैसे मैं कंडक्टर का जो मतलब इस स्लॉट का जैसे जैसे मैं डेप्थ तक पहुंच रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा एयर गैप लेंथ कैसे हो रही है, बढ़ रही है। एयर गैप लेंथ कैसे हो रही है बेटा, मेरे पास बढ़ रही है। अब सपोज मुझे एक बात बोलेगा, अगर सपोज लेंथ बढ़ रही है मतलब दिस इज नथिंग बट वॉट एयर गैप लेंथ, दिस एयर गैप लेंथ इज इक्वल्स टू वॉट, अपन को पता है क्या, रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू एयर गैप लेंथ डिवाइडेड बाय वॉट, म्यू मल्टीप्लाई बाय वॉट ए, इस टाइप से होता है। अभी म्यू क्या होगा आपके पास, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू फ्रेम दी स्लॉट्स ऑफ द रोटर, ठीक है। तो ये होने वाला है, और ये ए क्या होने वाला है, ए इज गोइंग टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कि जिसमें वो डेप्थ प्लेस किया वो वाला, ठीक है। आर इज वॉट, आर इज नथिंग बट आर नहीं, एक्चुअली दिस इज अ रिलक्टेंस है, ठीक है, इस टाइप से। अब लेंथ ऑफ एयर गैप क्या कर रहे हैं आपके पास, बढ़ रही है लेंथ ऑफ एयर गैप, क्या कर रहे हैं आपके पास, बढ़ रही है। अब अगर ये लेंथ ऑफ एयर गैप आपके पास सपोज जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डेप्थ तक पहुंच रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरे पास लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ रही है, क्या
क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लेंथ जो नजर आने वाली, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट एलजी, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ विच आर फ्लक्स इज गोइंग टू सफर और विच इज गोइंग टू एक्सपीरियंस व्हेन द फ्लक्स विल लिंक विद द डेप्थ ऑफ द कंडक्टर और डेप्थ ऑफ द स्लॉट। जैसे जैसे आप उस स्लॉट के नीचे आओगे वैसे वैसे आपके पास जो लेंथ होने वाली है, लेंथ कैसे होने वाली, बढ़ने वाली है। बट अगर लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। रिलक्टेंस क्या होगा आपके पास, बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आप नीचे तक पहुंच रहे वैसे वैसे उसका रिलक्टेंस कैसा हो रहा, बहुत बढ़ते जा रहा है। अब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो मुझे एक बात बोलेगा फ्लक्स कैसा होगा, जो यूजफुल फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो फ्लक्स होगा, जो यूजफुल फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा, यूजफुल फ्लक्स वो कम होते जाएगा। यूजफुल फ्लक्स क्या होगा, कम होते जाएगा। अगर यूजफुल फ्लक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है। बेटा इसका मतलब अगर लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो मुझे एक बात बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियस अगर सपोज मैं इनपुट दे रहा हूँ 15 और आउटपुट मुझे मिल रहा है अगर 3, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे 12 क्या होगा मेरे पास, बिल्कुल सही है, 12 तो मेरे पास क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया, मैं कह सकता हूँ कि लीकेज हो गया। सेम केस इसमें भी देखने के लिए मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाले पार्ट में जो मुझे लीकेज मिलने वाला है, जो लीकेज फ्लक्स जो मतलब क्या मुझे यहाँ पे जो मिलने वाला है, जो डाउन पोर्शन है, जो डेप्थ वाला पोर्शन है उसका बॉटम पोर्शन, इसमें सबसे ज्यादा मुझे क्या मिलने वाला, लीकेज फ्लक्स मिलने वाला, क्या मिलने वाला, लीकेज फ्लक्स मिलने वाला। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा इस स्लॉट के, जैसे जैसे मैं अपर पोर्शन तक जाऊंगा, अपर पार्ट तक जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होने वाला बेटा मेरे पास, वैसे वैसे मेरे पास जो उसका जो फ्लक्स लिंकेज होने वाला है, लीकेज फ्लक्स की बात करूँ, लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैसे वैसे कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या, लीकेज फ्लक्स विल बी मैक्सिमम टू द बॉटम पार्ट एंड इट विल बी व्हाट मिनिमम टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द अपर पार्ट। और ये आपको कैसे पता चला, ये आपको वैसे पता चला कि जैसे आप एयर गैप लेंथ की बात करोगे, एयर गैप लेंथ जो अपर वाला पार्ट है उसमें एयर गैप लेंथ कैसे कम है, एयर गैप लेंथ कम होने की वजह से उसका रिलक्टेंस कैसा कम है, रिलक्टेंस कम होने की वजह से उसमें जो एक्चुअल जो मतलब जो मेन जो यूजफुल फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यूजफुल फ्लक्स लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें जो लीकेज होगा कैसा होगा, कम होगा। यहां से पता चल रहा है कि लीकेज फ्लक्स जो होगा आपके पास अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट उसमें क्या होने वाला है, बहुत ही कम होने वाला है। जैसे जैसे मैं डेप्थ तक पहुंच जाऊंगा वैसे वैसे क्या होने वाला है मेरे पास, लीकेज फ्लक्स क्या होने वाला है, बढ़ते जाने वाला, और यूजफुल फ्लक्स क्या होने वाला है, कम होते जाने वाला है। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, आई होप कि शायद आपको समझ में होगा। अगर बेटा आपको समझ में आ गया कि आपका जो फ्लक्स लीकेज है, लीकेज फ्लक्स बॉटम पोर्शन में कैसे होने वाला, मैक्सिमम होने वाला है, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, चाहे तो क्या, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स विल ऑकर, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स लिंकेज, लीकेज फ्लक्स लिंकेज will occur at the bottom part, will occur at the bottom part of the slot, ठीक है, और minimum leakage flux मिनिमम लीकेज फ्लक्स लिंकेज विल ऑकर एट द अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट। बात समझ में आएगी मैंने जो बोला, ठीक है, और इसके रीजन में मैंने बता दिया कि लीकेज फ्लक्स लिंकेज के स्टेप से आने वाला है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है अपन को, जो लीकेज जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज फ्लक्स लिंकेज, दिस इज व्हाट फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। मैं इसके बाद जो करूंगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट लीकेज होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, लीकेज फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इंडक्टेंस मिल जाएगा। ये जो इंडक्टेंस होगा मेरे पास, ये कौन सा होगा, बॉटम पोर्शन के इंडक्टर के इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ही मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज ऑकर होने वाला है। वैसे आप किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी जगह पे उसका फ्लक्स लिंकेज निकाल सकते हो, वहाँ से आप उसका इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से ये देखना है कि जो मैक्सिमम जो इंडक्टेंस फील होने वाला है, जो मैक्सिमम इंडक्टेंस का जो मुझे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस नजर आने वाला है, वो कहाँ पे आने वाला है, बॉटम पोर्शन पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो लीकेज फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने वाला है। अगर यहाँ पे लीकेज फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने वाला है, तो बेटा जो बॉटम पोर्शन होगा उसमें जो इंडक्टेंस का जो इन्फ्लुएंस आएगा वो कैसा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला। अगर मैक्सिमम इंडक्टेंस इज गोइंग टू ऑकर इनटू द बॉटम पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लॉट, इट मींस दैट द प्रेजेंस और आई कैन से व्हाट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर बेटा इंडक्टेंस का वैल्यू अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, इफ इंडक्टेंस इज इंक्रीज इट मींस दैट एक्सएल इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, इट मींस दैट व्हाट, एक्सएल इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अगर आपके पास जो एक्सएल अगर वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा,
आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि इंडक्टेंस का जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाए तो मुझे एक बात बोलेगा, जो अपोजिशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, मैक्सिमम अपोजिशन विल ऑकर एट वॉट, मैक्सिमम अपोजिशन विल ऑकर एट द बॉटम पार्ट, इट विल ऑकर एट वॉट बॉटम पार्ट। अगर मैक्सिमम अपोजिशन अगर उसको बॉटम पार्ट में मिल रहा है और मिनिमम अपोजिशन उसको कहाँ पे मिलेगा, फिर मिनिमम अपोजिशन विल बी सफर्ड, इट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्लक्स इन टू द वॉट अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट, इन टू द वॉट अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट, ड्यू टू विच वॉट विल हैपन, ड्यू टू विच द मैक्सिमम करंट विल फ्लो। अब वॉट मैक्सिमम करंट विल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे तो इंपोर्टेंट ज्यादा हो रहा है ना भाई, ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तो उसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है तो अपर पोर्शन में रिएक्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यह होगा कि जो अपर पार्ट है उसमें से क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा करंट फ्लो होगा। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा, अभी ये स्टार्टिंग कंडीशन के लिए होता है, एक्चुअली किसके लिए होता है, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए, मैं बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो इनिशियली जो करंट आएगा आपके पास, यहां तक तो नहीं पहुंचेगा करंट, ठीक है, तो इनिशियली जो करंट आएगी पूरी की पूरी मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू डॉट अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, कहां से फ्लो होगी, अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर से फ्लो होगी, ठीक है। ये होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जैसे भी आपकी मशीन रन करना स्टार्ट कर दी तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 जैसे नॉर्मल ऑपरेशन होता है वैसे नॉर्मल ऑपरेशन अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मैं बताया आपको, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टेप्स इसमें होने वाला है, मैं बताऊंगा अभी किस स्टेप से होने वाला है। देखिए जो नॉर्मल केस में जब आप बात करोगे उसमें, तो अगर मैं उसका रोटर का स्ट्रक्चर बताऊँ, तो जैसे अपन नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, स्पेलिंग एक बार देख लेना आप, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, अपन को रोटर इक्विवेलेंट सर्किट पता है क्या, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से होता है, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास इस टाइप से होता है, ठीक है। ये होगा आपके पास R2 अपॉन ES, और ये क्या होता है आपके पास J टाइम्स ऑफ X2, और ये क्या होता है आपके पास E2 होता है, क्या होता है E2 होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो जब मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लिप का वैल्यू कैसा होता है, वन होता है। अगर स्लिप का वैल्यू वन है तो मुझे एक बात बोलेगा, E2 इज इक्वल्स टू, सॉरी करंट का वैल्यू मुझे लिखना है यहाँ से, तो दिस विल बी I2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 अपॉन S प्लस वाट X2 इसका स्क्वायर, और इसका भी क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। बात समझ में आ गई। अब इसकी वजह से होगा क्या, अब इसकी वजह से ये होगा कि मैंने अगर बोल दिया कि भाई आपके पास जो इनिशियल जो रीजन है, मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अपन को पता है स्लिप का वैल्यू स्टार्टिंग में वन है, अगर स्लिप का वैल्यू स्टार्टिंग में वन है और नॉर्मली देखा जाए तो X2 का वैल्यू ज़्यादा होता है R2 के कंपैरिजन में, तो बेटा ऑब्वियस है कि जो आपके पास जो ये आने वाला होगा करंट वो कैसे आ जाएगा, E2 अपॉन X2 इस टाइप से आएगा। लेकिन E2 अपॉन X2 ये नहीं आएगा, इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में अपर वाला जो पार्ट है उसमें तो डेफिनेटली बहुत ही कम इंपेडेंस उसको फील होने वाला है। अगर कम इंपेडेंस उसमें फील होगा उसको, तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू व्हाट, मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दी बिल्कुल से अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट एक्चुअली दिस वन, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्टर होगा उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक आपकी मोटर जो होगी, जब तक कि आपकी मोटर उसके रेटेड स्पीड तक पहुंच नहीं जाती तब तक क्या होगी, तब तक उसमें से वो अपर पार्ट में से क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होती रहेगी। अब उसकी वजह से होगा क्या, अब आप थोड़ा अच्छे से देखना उसमें, अब देखना इसमें अच्छे से थोड़ा देखना कि देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस उसको फील होगा ना, मतलब ये तो स्किन इफेक्ट की तरह काम कर रहा है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम करंट फ्लो रही हो, कहाँ से फुल फ्लो रही है, मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वॉट अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। आपको अगर स्किन इफेक्ट पता होगा तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जो जनरली स्किन इफेक्ट की जब अपन बात करें तो इनिशियली क्या होता है, स्किन इफेक्ट में जो कंडक्टर होता है कंडक्टर की पेरीफेरी से क्या होता है करंट फ्लो होता है, ना कि कंडक्टर के सेंटर से करंट फ्लो होता है। इसका मतलब क्या, ओनली द पेरीफेरल पार्ट और द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज बीइंग यूटिलाइज फॉर द फ्लोइंग ऑफ वॉट, फॉर द फ्लोइंग ऑफ द करंट। इट मीन्स वॉट, करंट डेंसिटी is concentrated on the surface of the conductor, not on the center of the conductor, due to which what the resistance which will be faced by the conductor, it will be maximum. It will be what? Maximum. And this is due to what? Skin effect. All these things actually we have discussed in case of what? The normal. जब अपन बात करते हैं, मेरे हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था स्किन इफेक्ट के बारे में, जो लॉज वगैरह पढ़ाते उस टाइम पे मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट वॉट, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो अपर पार्ट में से ज्यादा क्रम फ्लो हो रही, लोअर पार्ट में से हो नहीं रही, क्योंकि लोअर पार्ट जो होगा उसका मैक्सिमम इंडक्टेंस फील कर रहा है, तो मैक्सिमम इंडक्टेंस फील करने की उसको मैक्सिमम रिएक्टेंस फील करेगा, मैक्सिमम रिएक्टेंस फील करने की जिस मैक्सिमम इंपेडेंस अपर नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है उसको अपोज, मैक्सिमम इंपेडेंस उसको ऑफर कर रहा है, इसकी वजह से इसमें से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगी, ज्यादा जो भी करंट फ्लो होने वाले एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू व्हाट, एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट, वहां पे जो कंडक्टर होगा उसमें से, ठीक है। तो अपर पार्ट में से अगर इतनी मैक्सिमम करंट फ्लो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा स्किन इफेक्ट की तरह नजर आ रहा है, और स्किन इफेक्ट में क्या होता है भाई, ऑब्वियसली जो अपर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी मैक्सिमम रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू व्हाट लोअर पार्ट,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट एट द सेम लाइक एज वॉट स्किन इफेक्ट की तरह, बात समझ में आ गई? सो दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट द डीप बार रोटर। अब इसको डीप बार क्यों बोलते हैं? इसके लिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होने वाला है, जो स्लॉट है स्लॉट कैसा होने वाला है, थोड़ा डीप है, मतलब थोड़ा क्या, उसकी डेप्थ ज़्यादा है, उसकी विड्थ किसी कम है। नॉर्मल जो स्लॉट्स होते हैं उसकी जो विड्थ होती है और उसका जो डेप्थ होती है, जो नॉर्मल स्लॉट्स होते हैं उसकी जो विड्थ होती है 10 से लेकर 12 mm तक होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डीप बार रोटर की, तो उसमें उसका ये हो जाएगा 20 से लेकर 25 mm तक क्या हो जाएगा उसका विड्थ, और मतलब ये उसका ये हो जाएगा डेप्थ, हो जाएगा डेप्थ होने वाला है इतना, बात समझ में आ गई। और डीप बार रोटर मतलब क्या, रोटर बार विल बी प्लेस्ड इन वॉट दिस डीप स्लॉट, इट मीन्स वॉट, इट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप बार रोटर, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस इस रोटर सर्किट को देखने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा ड्यू टू द व्हाट अपर पोर्शन, इट विल बी व्हाट मिनिमम ड्यू टू द व्हाट, इट विल बी नॉट मिनिमम, इट विल बी मैक्सिमम ड्यू टू दिस व्हाट स्किन इफेक्ट विच विल बी सपोर्टेड बाय द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट। आई होप कि शायद आपको ये सब बातें क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, ये हुआ किसके बारे में, दिस वॉज अबाउट द डीप बार रोटर। अब मैं बात करूंगा डबल केज रोटर के बारे में, आओ किसके बारे में, डबल केज रोटर के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, डबल केज रोटर, डबल केज रोटर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो डीप बार रोटर आपने समझाया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर रोटर का समझाओ तो किस टाइप से आएगा? क्या नॉर्मल जैसे आपने पास जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आता है, सेम उस रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, जैसे कि मैंने इसका बताया आपको कि ये इस टाइप से द सेम सर्किट इज गोइंग टू बी देयर ऑफ व्हाट डीप बार रोटर। मतलब क्या इसका रोटर इक्विवेलेंट सर्किट ये सेम जैसे अपन नॉर्मल इंडक्शन मोटर के लिए ड्रॉ करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए सेम सर्किट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले, बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये था किसके लिए, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर डीप बार रोटर, किसके लिए था, डीप बार रोटर के लिए था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डबल केज रोटर के लिए, इसका मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा कि आपको ये दिखता कैसे एक्चुअली, लेकिन मैं पहले आपको उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, एंड देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी उसका कंस्ट्रक्शन में, जब कंस्ट्रक्शन वाइज जब देखेंगे तो किस टाइप से देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, उसके अपन बात कर लेते हैं। तो ये होने वाला भाई आपके पास डीप बार रोटर का जो स्ट्रक्चर होगा उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। अभी इस टाइप से कैसे दिखने वाला है ये सब मैं बता दूंगा कि दोनों जो रोटर होंगी, आप सिंपल एक बात कीजिएगा, देखिए सपोज ऐसा कंसीडर कीजिएगा कि मेरे पास क्या है, एक छोटा सा ये क्या है मेरे पास, सपोज एक रोटर है, क्या एक रोटर है, ठीक है। अब दूसरा रोटर मेरे पास, मेरा जो हाथ है, ये मेरा हाथ है, उसके अंदर सपोज अगर मैं इस रोटर को प्लेस कर दूं, मतलब ये जो बाहर का है मेरा, ये आउटर रोटर होगा और ये होगा इनर रोटर होगा, मतलब क्या, दिस विल बी कॉल्ड एज, जो मेरा हैंड है उसको बोला जाएगा आउटर केज और उसको बोला जाएगा व्हाट, इनर केज, क्या बोला जाएगा उसको, इनर केज बोला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब ये रोटर है बड़ी वाली और इसके बीच में मैंने क्या किया, इस रोटर के बीच में मैंने इस छोटे से रोटर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या, इन टू द आउटर केज, आउटर केज के इनसाइड में मैंने एक इनर केज रखी है। तो आप कह सकते हो क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द इनर केज और दिस इज द व्हाट आउटर केज, this is what, this is nothing but the outer cage, this is the outer cage and this is what, this is nothing but the inner cage, this is nothing but what, इनर केज। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे मैंने समझाया आपको, सेम कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इसके बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा सर, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट की जो इनिशियली क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ लिंक करने वाला, इसके साथ लिंक करेगा या इसके साथ लिंक करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स विल लिंक विथ वॉट दिस वन, मिनिमम फ्लक्स विल लिंक विथ वॉट दिस वन। अगर इसमें मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होगा तो मुझे एक बात बोलेगा, इसका जो लीकेज फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा उसके साथ, इसका लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, इसका लीकेज फ्लक्स कम होगा, अगर इसका लीकेज फ्लक्स कम होगा, इसका लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, ड्यू टू द वॉट मोर लीकेज फ्लक्स या मोर लीकेज फ्लक्स लिंकेज, ड्यू टू द मोर लीकेज फ्लक्स लिंकेज, ये वाला जो रोटर होगा इसमें जो भी कुछ अपन को देखने के लिए मिलेगा, इसका जो रिएक्टेंस होगा, इसका रिएक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा मैंने यहाँ आपको आपको समझाया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपने आने वाला है, क्योंकि जो भी फ्लक्स लिंकेज होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज विल ऑकर टू दिस वॉट इनर केज, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज विल ऑकर टू दिस इनर केज रादर देन वॉट आउटर केज, क्या आउटर केज की कंपैरिजन में इनर केज के साथ क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होने वाला है, बात समझ में आ रही है, क्या होने वाला भाई, ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होने वाला है, आपको यहाँ से पता चल सकता है सब चीज़ें। सो द मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज विल ऑकर विथ वॉट आउटर केज या इनर केज,
इनर केज के साथ मैक्सिमम फ्लक्स ऑकर होगा रादर देन व्हाट आउटर केज. तो आउटर केज से अगर मुझे एक बात बोलेगा मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज अगर इससे होने वाला है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स लिंकेज नॉट अ यूजफुल फ्लक्स. तो मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स लिंकेज जो होगा इसके साथ होने वाला है, तो इसकी वजह से जो उसका जो रिएक्टेंस होगा आपके पास इंडक्टेंस का, सबसे पहले तो इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा. इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ने की वजह से इसका जो होगा आपके पास रिएक्टेंस, उसका रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका रिएक्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा. अब इसमें जो कंडक्टर प्लेस किया होगा, इसमें जो कंडक्टर प्लेस किया होगा, उन दोनों के थोड़ा चेंज होगा, मतलब उन दोनों का जो कॉन्फिगरेशन होगा उसमें थोड़ा चेंज किया होगा. अब इन दोनों के कॉन्फिगरेशन में देखिए कैसा चेंज किया होगा, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ा अपन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. देखिए इसमें जो रिएक्टेंस होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस इस तरीके से सेट किया होगा कि इसका रिएक्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा. अब मेरे पास दो अलग अलग केजेस है, दिस इज नथिंग बट आउटर केज, दिस इज व्हाट इनर केज, सॉरी ये इनर है और ये आउटर है. तो मैं इसको ऐसा बोल दूं कि आर टू एक्स टू, मतलब दो अलग अलग केजेस आने वाले, तो दोनों को अगर मैं आर टू एक्स टू के नाम से बोलूंगा तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस एल टू को मैं बोल रहा हूँ एल इंटरनल, तो इंटरनल क्या होगा, ये इंटरनल बढ़ जाएगा, ठीक है. लेकिन मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ आर इंटरनल, मतलब क्या इनर केज का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस को अपन ऐसा सेट करेंगे कि उसको कम करेंगे, मतलब उसको ऐसा अपन उसका जो कंडक्टर होता है उसका डिजाइन इस टाइप से किया होता है कि रेजिस्टेंस कम रहना चाहिए. रेजिस्टेंस कम रहने के लिए अपन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा करेंगे, बढ़ा देंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट इनर केज इज गोइंग टू बी व्हाट, इनर केज में जो कंडक्टर प्लेस करने वाला है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा. और उसके साथ मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स लिंक करता है, उसकी वजह से उसका जो जो होगा इंटरनल सॉरी इनर केज का जो रिएक्टेंस होगा डेट विल बी व्हाट हायर, डेट विल बी व्हाट हायर होने वाला है. बात समझ में आ गई. अब बात करते हैं अपन जो आउटर केज होगा, आउटर केज में जो रिएक्टर जो कंडक्टर प्लेस किए होंगे उनका नेचर किस टाइप से होने वाला है. जो आउटर केज है उसके अंदर जो कंडक्टर प्लेस किया है उसका नेचर इस टाइप से होने वाला है कि आपके पास जो आउटर रेजिस्टेंस है, आपके पास आउटर केज में जो कंडक्टर प्लेस किए होंगे, तो उसका तो देखिए इसमें लीकेज फ्लक्स कैसा, आपके पास लीकेज फ्लक्स लिंकेज जो है आपके पास कैसा है, कम है. लीकेज फ्लक्स लिंकेज कम होने की वजह से जो एल आउटर होने वाला है आपके पास, एल आउटर कैसा होगा, कम होगा. एल आउटर कम होने की वजह से जो एक्स आउटर होने वाला है आपके पास वो क्या होगा, कम होगा. अगर एक्स आउटर कम होगा और इसका जो कंडक्टर का नेचर है इस टाइप से रखा है कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा. अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसका जो आर आउटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है. आप उसको आर ओ भी लिखा तो भी चलेगा, इसको आपने एल आई भी लिखा तो भी चलेगा, इसको आपने आर आई भी लिखा तो भी चलेगा, ए आई लिखा, एल आई लिखा, एक्स आई लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब पहले से अपने बात बोली थी क्या कि मैक्सिमम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द व्हाट आउटर केज एज कंपेयर टू द व्हाट इनर केज. तो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो होगी और उसमें भी अपन ने जो कंडक्टर सेट किया है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस टाइप से सेट किया है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस का जो ऑफरिंग होगा दैट विल ऑफर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. अगर वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्लेस का ऑफर कर रहा है प्लस स्किन इफेक्ट, उसकी वजह से और थोड़ा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा. तो इसकी वजह से जो ओवरऑल रोटर जो रेजिस्टेंस, मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का नेचर वहां पर देखने के लिए मिलेगा वो कैसा होगा, आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी फेस्ड बाय द रोटर सर्किट इन दिस पर्टिकुलर केस. अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आपकी रोटर अगर उस टाइम पे फेस करेगी तो इसका मतलब कि जो आउटर रेजिस्टेंस होगा दैट विल कॉज व्हाट इंक्रीज इन द व्हाट रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन द रोटर रेजिस्टेंस. स्टार्टिंग की केस की बता रहा हूं मैं बात, ठीक है. तो स्टार्टिंग में अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में बढ़ने की वजह से आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा और आर एक्सटर्नल बढ़ने की वजह से उसका जो एक्चुअली जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, रोटर का बढ़ जाएगा. आपके पास पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये सब बातें अपन डबल केज रोटर के बारे में देख रहे हैं. किसके बारे में, डबल केज रोटर के बारे में. बात समझ में आ गई. अब मैं बताया कि आपके पास दो जो दो रोटर्स है, एक रोटर के मतलब कि आपके पास मैंने बोला भी आपको समझाया भी कि आपके पास एक छोटा रोटर होगा, ठीक है. एक छोटा रोटर होगा उसके अंदर क्या होगा, मतलब एक बड़ा रोटर होगा उसके अंदर एक छोटा रोटर रख देंगे. जैसे आपके पास दो सिलेंडर है, क्या है दो सिलेंडर, एक सिलेंडर एक ऐसे रखा है. सिंपल अगर मैं बताऊं तो देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, ये कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होने वाला है. एक्चुअली ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन किस स्टेप से होने वाला है. एक्चुअली बस इनका स्टार्टिंग में ये होगा और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा ना कि दोनों को अपन क्या करेंगे, साथ में इनको क्या करेंगे, एक ही जगह पे अपन उनको ये कर देते, शॉर्ट सर्किट कर देते, एक ही जगह पे क्या कर देंगे, इनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे अपन एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है.
बस केजेस अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनका जो शॉर्ट सर्किटिंग जो होगा वो क्या होगा, मतलब एक ही कंडक्टर एक ही जगह पे अपन को क्या करने वाले, शॉर्ट सर्किट करने वाले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी कोई कंडक्टर प्लेस किया होगा, सपोज अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक ऐसा कंडक्टर प्लेस किया है, यहाँ पे कंडक्टर प्लेस किया, यहाँ पे कंडक्टर प्लेस किया, सपोज यहाँ पे कंडक्टर प्लेस किया है, तो ठीक है वो सारे के सारे कंडक्टर जो होंगे उनको क्या करेंगे अपन, यहाँ से एंड्रिंग से अपन को अपने क्या किया उनको सबके शॉर्ट सर्किट कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे जो कंडक्टर आएंगे उनको क्या करेंगे अपन, एंड्रिंग से क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट कर रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कंडक्टर होगा, यहाँ पे कंडक्टर, ऐसे ऐसे कंडक्टर अपन प्लेस करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे। और उनकी जो भी कुछ अभी ये कंडक्टर है, जैसे कि मैंने इन कंडक्टर को कैसे नीचे लाया मैं, सिमिलरली वो भी कंडक्टर जो होंगे उनको भी क्या करेंगे अपन नीचे लेके आएंगे। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, दोनों कंडक्टर को क्या करेंगे, इनर केज और आउटर केज दोनों की इसको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो आपको देख के पता चल रहा है कि दोनों कैसे एक दूसरे के कैसे, दोनों अगर देखा जाए तो पैरेलल में, दोनों कैसे पैरेलल में नजर आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उस टाइप से अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो अब मैं उसका आपको ये बता देता हूँ कि उसका रोटर का जो स्ट्रक्चर आने वाला है, उस इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोनों कैसे आपके पास, दोनों जो इन आउटर केज और इनर केज दोनों कैसे, मैंने बोला कि आउटर केज बाहर से होगा और इनर केज क्या होगा उसके अंदर रखा होगा, तो इसमें होगा क्या आपके पास, दोनों कैसे एक्चुअली देखा जाए तो पैरेलली प्लेस की है, दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो देखिए दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो सेम इसी टाइप से आएगा, बस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। मतलब कैसा, मतलब देखिए यहाँ पे आएगा मेरे पास, ये आएगा आउटर केज, ठीक है, और जो ये आएगा आपके पास यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इनर केज, दिस विल बी व्हाट इनर केज। तो ये आउटर रेजिस्टेंस, आउटर केज का रेजिस्टेंस आर ओ, आउटर केज केज का रिएक्टेंस एक्स ओ। सिमिलरली जो आपके पास जो इनर रेजिस्टेंस होगा, जो इनर केज होगी उसका रेजिस्टेंस आर आई, ठीक है, आर इन या आर आई जो बोलना होगा तुम्हें, ठीक है, आर आई बोल दीजिएगा। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस होगा इसका, ये होगा एक्स आई। इसका मतलब क्या, दिस इज दी आउट इनर केज एंड दिस इज वॉट, दिस इज द आउटर केज, सो दिस इज वॉट, दिस इज द आउटर केज एंड दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट द इनर केज, दिस इज नथिंग बट वॉट इनर केज। सो इनर केज का पैरामीटर्स है और ये क्या आपके पास आउटर केज के पैरामीटर है आपके पास, ठीक है, और ये होगा आपके पास रोटर सर्किट, ये क्या होने आपके पास रोटर सर्किट होने वाला है। आई होप कि शायद आपको समझ में होगा। तो आपको पता चल गया कि जो दोनों रोटर से, मतलब जो दोनों रोटर से इनर केज एंड आउटर केज दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल में, और दोनों कैसे आपके पास एक दूसरे के पैरेलल में, तो आपको पता भी चल गया कि जो इनर केज होता है उसका रिएक्टेंस कैसा होता है, उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनिशियली बताऊँ मैं उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन जब अपन रेजिस्टेंस की, ये कैसा, ये जो सर्किट नजर आ रहा है आपके पास, आर आर नॉट ये बन रहा है, जे टाइम्स ऑफ एक्स नॉट ये बन रहा है, जे टाइम्स ऑफ एक्स आई ये होगा आर आई, ये होगा कब का, दिस इज द सर्किट एट वॉट स्टैंड स्टिल कंडीशन और आई कैन कॉल इट इज वॉट, स्टार्टिंग केस के लिए कैसा होगा, इस टाइप का सर्किट होगा। लेकिन जब मैं रनिंग कंडीशन के लिए सर्किट को ड्रॉ करूंगा तो रनिंग कंडीशन पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम आर नॉट बाई एस एंड दिस विल ऑल्सो बिकम वॉट आर आई बाई एस, दिस विल ऑल्सो बिकम वॉट आर आई बाई एस। तो इस टाइप की सब बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो अपन को पता होना चाहिए। अब सपोज अगर इसका एनालिसिस किया जाए, उसमें अगर मैं पूछा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द आउटर केज करंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इनर केज करंट, तो करंट का रेशियो अपन को पता करते आना चाहिए। थोड़ा उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन उसके टॉर्क वगैरह के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन आई विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉर्क। तो देखिए भाई, बात करते हैं अभी उसका रोटर सर्किट के बारे में, और उसके सर्किट तो अपने ड्रॉ किया है, उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स उसके बारे में। तो देखिए आपके पास उसका जो रनिंग कंडीशन पे जो सर्किट बनेगा रोटर सर्किट, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें एक्चुअली सपोज अगर मैं रोटर का, मतलब जो एक्चुअली अपने पास जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है उसको सपोज अगर मैं निग्लेक्ट कर दूँ, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को निग्लेक्ट करके उसका ओवरऑल सर्किट बना रहा हूँ। ये बनेगा स्टेटर रिएक्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बनेंगे आपके पास दो सर्किट्स पैरेलल में इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बनने वाले। ठीक है, इस टाइप से। सप्लाई वोल्टेज आएगा यहाँ पे U1, सॉरी V1। इसके बाद दिस विल बी व्हाट J टाइम्स ऑफ X1, दिस इज R1। दिस इज आउटर केज, दिस इज इनर केज, तो दिस इज आर आई डिवाइडेड बाई एस, दिस इज जे टाइम्स ऑफ एक्स आई, दिस इज आर आउट अपॉन एस, दिस इज जे टाइम्स ऑफ एक्स आउट, इस टाइप से आने वाला है।
ठीक है। सपोज अगर अपन को यहाँ पे करंट वगैरह अगर पूछी, तो स्टार्टिंग करंट या स्टार्टर या सप्लाई करंट अगर पूछे, सपोज उसने सप्लाई करंट कैसे पता करोगे आप, इन दोनों का पैरेलल ले लोगे और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आने के बाद एक नॉर्मल सर्किट बनेगी, उस सर्किट से अपन को क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी वॉट, करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर कैच विच इज नथिंग बट वॉट आई नॉट, और इसमें जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी नथिंग बट वॉट आई आई, दिस इज इनर कैच करंट, दिस इज द आउटर कैच करंट, ठीक है। सपोज अगर उसने अपन को पूछा इस पर्टिकुलर केस में, तो और अपन को पता रहेगा कि आई एस इज इक्वल्स टू वॉट आई आई आई, इस टाइप से रहने वाला है। सपोज अगर उसने अपन को पूछा कि आई आउट का करंट क्या आ जाएगा आपके पास, आई आउट इज इक्वल्स टू वी वन माइनस दिस पर्टिकुलर ड्रॉप, तो मैं इसको बोल दूँ क्या, ई वन बोल दूँ मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, ई वन बोल दूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास ई वन डिवाइडेड बाई वॉट अंडर रूट ऑफ आर नॉट अपॉन यस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर, और आई इन जो बनेगा आपके पास दिस विल बी ई वन अपॉन आर आई अपॉन यस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर, इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास आई इन, दिस इज वॉट, दिस इज द इनर कैच करंट, दिस इज वॉट आउटर कैच करंट, ठीक है। तो आई 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 लिखा है ना मैंने यहाँ पे सिर्फ, तो इस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं। सपोज अगर आपको इसके इस ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया आउटर केज ने, वो टॉर्क मतलब टॉर्क डेवलप्ड बाय दिस मोटर, टॉर्क डेवलप बाय आउटर केज एंड टॉर्क डेवलप बाय इनर केज अगर उसने पूछा, तो आप लिख सकते हो कि टी डेवलप इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय आई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट बाय एस मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय वॉट ओमेगा एस। सिमिलरली अगर उसने मुझे पूछा कि टी डेवलप्ड बाय वॉट इनर केज एंड दिस इज वॉट अ टी डेवलप्ड बाई वॉट आउटर कैच, तो ये लिखा जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई वॉट आई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉट आर आई डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई वॉट ओमेगा एस डिवाइडेड बाई वॉट ओमेगा एस। तो अपन ये आराम से पता कर सकते हैं, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज उसने अपन को एक रोटर केच और सपोज अगर ऐसा सर्किट दे दिया कि जिसमें सपोज उसने रोटर स्टेटर पैरामीटर्स को सपोज अगर उसने निगलेक्ट करके बोल दिया, निगलेक्टिंग द स्टेटर पैरामीटर्स, ठीक है, निगलेक्टिंग द स्टेटर पैरामीटर्स अगर सपोज अगर अपन को पूछा निगलेक्टिंग स्टेटर पैरामीटर्स, ठीक है, स्टेटर पैरामीटर को अगर निगलेक्ट कर दिया, तो देखिए अपने पास जो भी कुछ आएगा इस टाइप से आने वाला होगा, ये रोटर रेजिस्टेंस दिस इज रोटर रिएक्टेंस आउटर केच का, सिमिलरली दिस इज द रोटर रेजिस्टेंस दिस इज द रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, दिस इज जे टाइम्स ऑफ एक्स आई दिस इज आर आई अपॉन यस दिस इज आर नॉट अपॉन यस दिस इज वॉट जे टाइम्स ऑफ एक्स नॉट दिस इज वॉट ई टू दिस इज वॉट ई टू, इस टाइप से होने वाला है, इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। सपोज अगर मैं इसमें आने वाली अभी करंट जो बताऊँ, ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट वॉट दिस विल बी नथिंग बट दिस सप्लाई करंट आई एस, सप्लाई में से कुछ करंट इधर जो जाएगी, दिस विल बी वॉट दिस विल बी आउटर कैच करंट दिस इज वॉट दिस विल बी नथिंग बट इनर कैच करंट दिस विल बी वॉट दिस विल बी नथिंग बट इनर कैच करंट, क्या होगा ये इनर कैच करंट आई, ठीक है, इस टाइप से होने वाला है। अब सपोज अगर उसने मुझे अगर रेशियो पूछा, पहले मैं बात कर लेता हूँ आई नॉट के बारे में, आई नॉट फाइंड कर लेता, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर नॉट बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स टू का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स टू का स्क्वायर। सिमिलरली सपोज अगर उसने मुझे पूछा कि इनर केज के करंट पता करो, तो दिस विल बी ई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर आई अपॉन एस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स टू, ये एक्स टू कैसे लिख रहा हूँ मैं, एक्स नॉट लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई, कहीं पे मैंने एक्स टू तो नहीं लिख दिया और नहीं लिखा है, ठीक है, सही है, ठीक है, इस टाइप से लिखेगा। अपन को पूछेगा क्या पता है, अपन को पूछेगा आई नॉट अपॉन आई एस का वैल्यू बताओ, तो आई नॉट अपॉन आई एस का अगर वैल्यू अपन को पता करना है दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अपन के पास जो इक्वेशन बनेगी इस टाइप से बनेगी आर आई अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय आर नॉट बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट बाई एस इसका स्क्वायर, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज अगर उसने पूछा अपन को आई नॉट के करस्पॉन्डिंग मतलब आउटर केज के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क डेवलप्ड है, तो बन जाएगा टी नॉट दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस बाय वॉट आउटर केज एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वॉट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय ई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट बाई एस डिवाइडेड बाई वॉट आर नॉट बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर, इस टाइप से। सिमिलरली जो आपके पास इनर केज का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दिस विल बी थ्री मल्टीप्लाई बाय
ई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर आई बाई ई एस, दिस डिवाइडेड बाय आर आई अपॉन ई एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला है। सिमिलरली सपोज जैसे मैंने आई नॉट अपॉन आई एस पता किया, तो सपोज अगर उसने ऐसा अपन को पूछा टी नॉट अपॉन टी आई इसको कैसे पता करोगे, बिल्कुल भी उसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं, आराम से आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है, देखिए किस टाइप से पता करोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये बन जाएगा आर आई अपॉन ई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट अपॉन ई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस इज आर नॉट बाई एस डिवाइडेड बाई वॉट आर आई बाई एस, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी आर नॉट अपॉन वॉट आर एस, दिस विल बी वॉट आर नॉट आर आर नॉट अपॉन वॉट आर आई, क्या बनेगा आर नॉट अपॉन आर आई, इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो देखिए ये थोड़ा ऐसे बन जाएगा टी नॉट अपॉन टी आई इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन टी आई इज इक्वल्स टू आर आई का स्क्वायर प्लस वॉट एस टाइम्स ऑफ एक्स आई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉट आर नॉट प्लस वॉट एस टाइम्स ऑफ एक्स नॉट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट अपॉन आर आई। तो इस टाइप से अपन को कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछे तो सारे क्वेश्चन अपन से बनने चाहिए, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसमें एक जगह पे थोड़ा गलती हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय वॉट वन बाय ओमेगा एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ओमेगा एस, क्योंकि ऑब्वियस है ना, दिस इज नथिंग बट वॉट पावर, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड इट इज गोइंग टू वॉट ओमेगा एस, तो पावर डिवाइडेड बाय स्पीड दिस विल गिव अस टॉर्क। ठीक है, इसमें भी वो टॉर्क होना चाहिए था। ठीक है, कहीं पे इसमें तो सही लिखा है सब कुछ। ठीक है, इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो। और सपोज करंट के टर्म्स में अगर उसने पूछा तो दिस विल वॉट टी नॉट अपॉन टी आई दिस इज इक्वल्स टू वॉट थ्री टाइम्स ऑफ आई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट बाई एस डिवाइडेड बाय ओमेगा एस होता। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय आई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर आई अपॉन ई एस मल्टीप्लाई बाय वॉट ओमेगा एस, तो ओमेगा एस ओमेगा एस कैंसिल, ई एस ये कैंसिल। ठीक है, ई एस ई एस कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास आई नॉट अपॉन आई आई इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट अपॉन आर आई, तो ये बन जाएगा आपके पास आउटर कैच टॉर्क डिवाइडेड बाय वॉट इनर कैच टॉर्क, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द आउटर केस टॉर्क अपॉन वॉट इनर केस टॉर्क। तो इस टाइप से आपको कुछ भी पूछे, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को मैनिपुलेट करते आना चाहिए, डिफिकल्टी भी इसमें बिल्कुल कुछ नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा कभी कभी लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर उसने थोड़े ज़्यादा पैरामीटर्स दे दिए, स्टेटर पैरामीटर अगर मेंशन कर दिए, तो आपको इन दोनों का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेवेंट दो तीन में छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एंड देन वी विल क्लोज दिस लेक्चर एज वेल। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, बात करते अभी क्वेश्चन नंबर वन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में उसने, द स्टैंड स्टिल इंपीडेंस ऑफ आउटर एंड इनर केज ऑफ अ डबल केज इंडक्शन मोटर आर जेड नॉट डैश इज इक्वल्स टू 4 प्लस जे 2.4 एंड जेड आई डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस जे 7। ये डैश ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब दीज आर द रेफर पैरामीटर्स टू द स्टेटर एंड ही हैज नथिंग मेंशन अबाउट स्टेटर पैरामीटर्स, इट मींस वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द स्टेटर पैरामीटर्स। आगे उसने बोला कि फाइंड द स्लिप एट विच द टू केजेस डेवलप्स इक्वल टॉर्क। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। देखिए उसका इक्विवेलेंट सर्किट किस टाइप से आने वाला है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा आपके पास आउटर केज का रेजिस्टेंस, फिर ये बनेगा आउटर केज का रिएक्टेंस, देन दिस विल बी इनर केज रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी वॉट इनर केज रिएक्टेंस। अब उसे जो पैरामीटर्स अपन को दिए, कैसे पैरामीटर दिए, दीज आर दी स्टैंड स्टिल पैरामीटर। कैसे स्टैंड स्टिल पैरामीटर, तो स्टैंड स्टिल और ये जो डैश इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर दी पैरामीटर्स रेफर टू द व्हाट स्टेटर साइड। ठीक है, सो जेड नॉट डैश उसने दिया है, उसमें जो रोटर रेजिस्टेंस दिया है उसने आउटर केज का, दिस इज 4 ओम, क्या दिया है 4 ओम दिया है, सो दिस इज 4 ओम, और ये दिया है उसने रिएक्टेंस 2.4 ओम। ठीक है, जो इनर केज का रेजिस्टेंस उसने दिया है कितना दिया है 1 ओम, और जो रिएक्टेंस दिया दिस इज वॉट 7 ओम, इस टाइप से दिया है, बात समझ में आ गई। और जो रोटर का वोल्टेज होगा डैट विल वॉट ई एन डी स्टेम अक्रॉस द रोटर, दिस इज ई टू। ठीक है, अगर इसको रेफर कर ले तो इसको B2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेफर पैरामीटर है ना। अब इसमें होगा क्या, दिस आर द पैरामीटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे। जब रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4/s एंड दिस विल बी 1/s। अब उसने पूछा क्या अपन को कि दोनों टॉर्क का वैल्यू कौन सा स्लिप पे होगा, स्लिप का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ऐसा उसने पूछा है। तो देखिए मैं बात करूंगा सबसे पहले टॉर्क प्रोड्यूस बाय द व्हाट आउटर केज, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय E2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय
आर नॉट बाय एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूंगा इनर केज का टॉर्क, दिस विल बी थ्री मल्टीप्लाई बाय ई टू डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट, दिस विल बी आर आई डैश डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाय आर आई अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई अपॉन सॉरी एक्स आई का स्क्वायर। इस टाइप से तो अपन के लिए क्या होगा, दोनों टॉर्क कैसे हो जाएंगे भाई, सेम हो जाएंगे। सो दोनों टॉर्क अगर सेम, उसने बोला कि आउटर केज का टॉर्क इक्वल्स टू वॉट इनर केज का टॉर्क, सो आउटर केज टॉर्क इज इक्वल्स टू वॉट इनर केज टॉर्क। तो आउटर केज का टॉर्क क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी थ्री मल्टीप्लाई बाय ई टू डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर नॉट अपॉन ई एस डिवाइडेड बाय वॉट डिवाइडेड बाय सॉरी इसका स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा आर नॉट बाय ई एस का स्क्वायर आर नॉट बाई एस का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाई ई टू डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर आई, इसको डैश कर लीजिएगा आर आई डैश अपॉन एस डिवाइडेड बाय आर आई बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। वैल्यूज अभी मैंने पुट किए नहीं, अब मैं पुट कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब टॉर्क बोला ना, तो दिस डिवाइडेड बाई वन बाई ओमेगा एस भी आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय वॉट वन बाई ओमेगा एस भी आएगा, ठीक है। वैसे ओमेगा एस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टॉर्क का एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन तो करेक्ट लिखना ही चाहिए अपन को, दिस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल होगा तो आर नॉट बाई एस आर नॉट डैश बाई एस मतलब क्या, दिस विल बी फोर बाई एस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय ये देखिए क्या बन जाएगा फोर बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट टू पॉइंट फोर का स्क्वायर प्लस वॉट टू पॉइंट फोर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर आई क्या आपके पास, दिस इज वन बाई एस, ये क्या आपके पास वन बाई एस डिवाइडेड बाई वॉट डिवाइडेड बाय वन बाई एस का स्क्वायर वन बाई एस का स्क्वायर प्लस वॉट सेवन का स्क्वायर प्लस वॉट सेवन का स्क्वायर, इस टाइप से। अब देखिए होगा क्या, इसमें ये एस एस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। अब ये देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट सेवन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई बाय फोर बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट टू पॉइंट फोर का स्क्वायर प्लस वॉट टू पॉइंट फोर का स्क्वायर, इस टेप से बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, दिस विल बिकम फोर बाई एस का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास ट्वेंटी फोर का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर दिस इज इक्वल्स टू फोर का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा सिक्सटीन बाई एस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट सिक्सटीन बाई एस का स्क्वायर प्लस वाट टू पॉइंट फोर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, टू पॉइंट फोर का स्क्वायर बन जाएगा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स बनेगा मेरे हिसाब से, तो ये बन जाएगा 5.76, क्या बन जाएगा 5.76, इस स्टेप से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये बन जाएगा आपके पास 196, बिल्कुल सही है 196 माइनस 5.76, दिस इज इक्वल्स 16 माइनस 4 बन जाएगा आपके पास 12 बाई ई स्क्वायर, दिस विल बिकम वॉट 12 बाई ई स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 190.24 बन जाएगा क्या, ठीक है, आई थिंक वही उतना ही बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही उतना ही बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू वॉट 12 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। तो जो एस होगा आपके पास एस स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट 12 डिवाइडेड बाई 190.24, इस टाइप से। तो एस का जो वैल्यू आएगा आपके पास, एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 190.24, यहाँ से जो एस का वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी 0.251, क्या आ जाएगा, स्लिप का वैल्यू आ जाएगा, या एस इज इक्वल्स टू 25.1%। इसका मतलब कि अगर स्लिप का वैल्यू अगर कितना है आपके पास 25.1% या 0.251 अगर स्लिप का वैल्यू है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, जो दोनों टॉर्क होंगे इनर केज का टॉर्क और आउटर केज का टॉर्क दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एंड उसने अपन को यही पूछा था कि द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच द टॉर्क प्रोड्यूस बाय आउटर केज एंड डेट ऑफ द वॉट इनर केज बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू क्या होना चाहिए आपके पास, द वैल्यू ऑफ द स्लिप विल बी इक्वल्स टू वॉट 0.25,
ठीक है, देखिए भैया बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है। द स्टैंड स्टिल इम्पिडेंस ऑफ आउटर एंड इनर केज आर जेड नॉट डैश दिया है और जेड आई डैश दिया है आपको, ठीक है। दीज आर द स्टैंड स्टिल इम्पिडेंसेस ऑफ द रोटर सर्किट आउटर केज एंड इनर केज, ठीक है, रेफर टू द स्टेटर साइड। और उसने स्टेटर के पैरामीटर रेफर मेंशन नहीं किए, इसका मतलब क्या, उनको निगलेक्ट करके चलना है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क एंड पावर फैक्टर ऑफ आउटर केज टू वॉट इनर केज, ठीक है। आउटर केज टू इनर केज के जो पैरामीटर्स है, करंट, टॉर्क एंड पावर, इन तीनों के पावर फैक्टर, इन तीनों के रेशो पूछे उसने। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका रोटर का सर्किट बना लीजिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, आउटर केज रेजिस्टेंस, ठीक है, आउटर केज रेजिस्टेंस, उसके बाद ये आउटर केज रिएक्टेंस, इनर केज रेजिस्टेंस, इनर केज रिएक्टेंस, ठीक है। मैं डायरेक्ट पैरामीटर लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास J टाइम्स ऑफ 5, दिस इज व्हाट 2 बाय S, दिस इज व्हाट 5 बाय S एंड दिस इज व्हाट J टाइम्स ऑफ 2। इस टाइप से उसने लिखा है, मतलब दिया है। अब उसने स्टैंड स्टिल बोला है और उसने बोला भी क्या है, स्टार्टिंग करंट बोल दिया है, तो स्टार्टिंग पे S का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली मैं उसको इस टाइप से लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टार्टिंग करंट इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, उन दोनों का रेशियो लेना है, उनके टॉर्क का रेशियो लेना है और उनके पावर फैक्टर का रेशियो लेना है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग करंट ऑफ व्हाट आउटर केज, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ई टू डैश अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ आर नॉट बाई एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स टू का स्क्वायर। ई टू डैश का वैल्यू दिया नहीं है, तो ये ई टू डैश डिवाइडेड बाई व्हाट, एस का वैल्यू बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्टार्टिंग करंट ऑफ व्हाट इनर केज, दिस इज इक्वल्स टू ई टू डैश डिवाइडेड बाई व्हाट आर आई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स नॉट, तो ये बन जाएगा आपके पास ई टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर आई, कितना है आपके पास, ये जो है 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अपन को क्या चाहिए, स्टार्टिंग करंट ऑफ आउटर केज अपॉन व्हाट स्टार्टिंग करंट ऑफ इनर केज, इन दोनों का रेशियो। सो ई टू डैश, डायरेक्टली ई टू लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ई टू डैश भी लिखने की, ठीक है। वैसे तो रोटर पैरामीटर, स्टेटर पैरामीटर लिखा ही नहीं है उसने, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई टू, और ये बन जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1। बात समझ में आ गई, ये बन जाएगा 1। सिमिलरली मैं अभी बात करूँगा स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में, टी एच टी इज इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय ई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ व्हाट आउटर केज आर नॉट बाई एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नॉट बाई एस का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, ठीक है। सिमिलरली अपन बात करेंगे किसके लिए, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इनर केज, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस विल बी ई टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर आई अपॉन एस डिवाइडेड बाय व्हाट आर आई अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर मैं वैल्यू लिखूँ, तो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ई का ई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट का वैल्यू कितना है आपके पास, आउटर केज का जो रेजिस्टेंस है 5, ठीक है, एस का वैल्यू 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ए क्या इनका स्क्वायर है, तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय ई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस विल बी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो अपन को क्या चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ आउटर केज अपॉन व्हाट स्टार्टिंग के टॉर्क ऑफ व्हाट इनर केज, इस स्टेप से चाहिए अपन को, ठीक है। तो इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो क्या होगा, दिस ये 3 ई टू स्क्वायर बन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा एस भी आएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करोगे, ओमेगा एस क्या करोगे फिर, अगर दोनों का रेशियो लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल बन जाएगा 5 बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2.5। तो आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ आउटर केज अपॉन व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ व्हाट इनर केज, इन दोनों का जो रेशियो होगा, दिस विल बी व्हाट 5 बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट 2.5, तो ये बन जाएगा आपके पास
नेक्स्ट जो पूछा था उसने वो वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि पावर फैक्टर कॉस फाई एस, ठीक है, ये बनेगा आपके पास क्या, आउटर केज का पावर फैक्टर कितना बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट आर टू बाय मतलब आर नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय आर नॉट बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स टू का एक्स नॉट का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास क्या। अब आपके पास तो पता है एस का वैल्यू तो बनी है, तो बन जाएगा आपके पास आर नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर नॉट का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स नॉट का स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा। और पावर फैक्टर ऑफ इनर केज दिस इज इक्वल्स टू वॉट आर आई अपॉन एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर आई अपॉन एस इनका स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर, तो बन जाएगा आर आई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर आई का स्क्वायर प्लस वॉट एक्स आई का स्क्वायर। स्लिप का वैल्यू बने इसके लिए हमें डायरेक्टली लिख दिया उसको, तो आर नॉट का वैल्यू बन जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई वॉट, ये बन जाएगा फाइव का स्क्वायर प्लस वॉट टू का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम आर आई का वैल्यू टू है, टू डिवाइडेड बाई वॉट फाइव का स्क्वायर प्लस वॉट टू मतलब टू का स्क्वायर प्लस वॉट फाइव का स्क्वायर, सेम है दोनों का, मतलब कोई दिक्कत नहीं है एडिशन में, तो एडिटिव लॉ, ठीक है। सो पावर फैक्टर ऑफ आउटर केज अपॉन वॉट पावर फैक्टर ऑफ इनर केज, दिस इज इक्वल्स टू फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर प्लस वॉट टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा टू का स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट फाइव का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वॉट फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू वॉट 2.5। सो आपके पास जो अभी जो रेशो आएगा पावर फैक्टर ऑफ आउटर केज विथ रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर ऑफ इनर केज, इन दोनों का जो रेशो होगा दिस विल बिकॉज टू 2.5। जो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क आया था वही क्या है आपके पास, इसका जो रेशो आया था दोनों का रेशो भी सेम आया 2.5 आया, ठीक है। और करंट का क्या है आपके पास, करंट का तो सेम ही है आपके पास, स्टार्टिंग करंट ऑफ आउटर केज विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग करंट ऑफ इनर केज, दोनों का रेशो आया 1, ठीक है। तो इस टाइप से इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आप बस उसको सिंपली सॉल्व करना, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं। स्लिप का वाले यहाँ पे उसने 1 दिया था तो अपने लेने की जरूरत नहीं थी, तो मतलब बहुत ही आसान हो गया था क्वेश्चन। आप अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे तो उसमें देखिएगा स्लिप का अलग अलग वैल्यू पर भी वो पूछ सकेगा, और मैंने उसको जनरलाइज बनाने के लिए हर एक जगह पर मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखा है, ताकि इसके बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर स्लिप पे अगर उसका वैल्यू पूछे तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हो, उसको भी फाइंड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यही पे अपन इस लेक्चर को खत्म करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।